olha só, preste atenção. É só catuca, tuca, 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 só catuca, tuca, tuca. डार्क गैदरिंग की एपिसोड 15 की सूरत में हम देखते हैं इत्तुगी और हाजुकी उस टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है और बहुत अंधेरा होता है। गेंतोगी जब अंदर जाता है तो उसके हाथ में जो डॉल था उसका आँख अंदर की तरफ दबने लगता है। वो जैसे पानी को देखता है उसे लगता है एग्स वाला घोस्ट उसके आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो भागने लगता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि एक लड़की जो अंधी होती है पैर हाथ गले बंधे होते हैं और वो अपनी आंख को पानी में ढूंढ रही होती है। गेंतोगी के पीछे एग्स वाला घोस्ट आ जाता है जो उसका चेन को खींच लेता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने लगता है। इस वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा जोर से चीखने लगती है। वो लड़की बोलती है कि मैं इसे जल्दी ढूंढ लूंगी। फिर वो गेंतोगी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जल्दी से मेरी जगह ले लो। हाजुकी बोलते है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये सीन जब तक चल रहा है हमें तब तक इको को ढूंढ कर यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। ये देख कर वो घोष्ट हंसने लगता है बस जोर जोर से। होगी टनल में भागते भागते इको की आवाज सुनाई देता है उसे जो कि उसे बुला रही होती है। आगे भागते भागते उन्हें इको दिखती है जिसके हाथ मुंह पैर बंधे होते हैं। गेंतोगी सोचता है कि इको का मुंह तो बंधा हुआ है तो मुझे आवाज कौन दे रहा था। इसे ही अपने आसपास लाइट मारता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे फेस थे वो उसे आवाज दे रहे थे। तभी टनल के ऊपर से वो एक्स वाला घोस्ट आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन गेंतोगी के पास जो डॉल था उसको चोट लग जाता है ना कि गेंतोगी को। और हाजुकी इको की हाथ पैर खोल देती है। गेंतोगी उसे पिगी बैग देखकर सोचता है कि हमें कैसे भी कर इस टनल से बाहर जाना पड़ेगा। उसके पीछे वो एग्स वाला घोस्ट फिर से पड़ जाता है लेकिन गेंतोगी हाजुकी इको भागने लगते हैं लेकिन वो एग्स वाला घोस्ट भी उनके पीछे लग जाता है। भागते हुए हाजुकी बोलती कि हमने जितने भी डॉल लाए थे वो सब खत्म हो गए। अगर वो एक्स वाला घोस्ट हमारे ऊपर हमला करेगा तो वो डायरेक्टली जाकर हमें लगेगा। हाजुकी इको को एक नमक भरी थैली देती है। दीवार में जो फेस लगे थे वो बोलते हैं कि टनल के अंदर आना बहुत आसान है लेकिन बाहर जाना मुश्किल है। तभी जमीन से कुछ हाथ निकलने लगते हैं जो कि गेंतोगी का पैर पकड़ लेते हैं लेकिन गेंतोगी बहुत कष्ट से पैर छुड़ाकर भागता है। एग्स वाला घोस्ट उड़ते हुए इको के पास आ जाता है। जैसे ही इको को टच करने वाला था हाजुकी उसे एक किक मारती है जिस वजह से वो भूत वहीं पर ही गिर जाता है। फिर सभी लोग भागने लगते हैं। गेंतोगी को अपने सामने टनल का डोर दिखता है। गेंतोगी जैसे ही उस टनल के डोर के पास पहुंचता है उसे दिखता है वही औरत। वो गेंतोगी को पकड़कर बोलती है कि अब तुम तो गए लेकिन इको उसके ऊपर नमक फेंक देती है जिस वजह से वो भूत तड़पने लगती है। और गेंतोगी इको बाहर आ जाते हैं लेकिन हाजुकी जैसे ही बाहर आने वाली थी एग्स वाला घोष्ट उसे पकड़ लेता है लेकिन इको उसके तरफ वो फटा हुआ डॉल फेंक देती है। उसके अंदर से वो घोष्ट निकल कर कुल्हाड़ी वाले एग्स के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से हाजुकी बाहर निकल जाती है। हाजुकी बोलती कि ये अपन का टाइम है। वो एग्स वाला घोष्ट भी निकलता है जो कि उस लड़की को खा रहा था और वो बहुत जोर से चीखता है जिसे देखकर गेंतोगी इको डर जाती है। हाजुकी बोलती कि अब तो मैं भी रेडी हूँ लड़ने के लिए तुम्हारे साथ और हमें एक ऐसा भूत चाहिए जो कि जल्दी जल्दी फाइट कर सके। ये बोलकर हाजुकी एक डॉल निकालती है और ऊपर के तरफ फेंक देती है। उस डॉल के आँख से खून निकलने लगता है। नीचे गिरकर वो एक आय का सेफ हो जाता है। उस आय के बीचों बीच वो डॉल बैठ जाती है। उसके अंदर से एक सैनिक निकलता है जिसके हाथ में तलवार होता है। हाजुकी बोलती कि जब मैं कहीं पर जा रही थी तो मैंने देखा था ये घोस्ट अपनी ग्रेप के पास चुपचाप बैठा था। मैं जैसे ही इसके बारे में थोड़ा पता करने लगी तो मुझे पता चला ये जब
जिंदा था तब लड़ाई करने के बाद जापान आकर अपनी चेन की लाइफ जी रहा था, लेकिन ये मरने के बाद फिर से सैनिक रूप में वापस आ गया। इसने जितने भी सैनिक को मारा था वो सारे सैनिक आसपास के भूतों को खा रहे थे। देखकर वो सैनिक बहुत दुख हो गया। वो मरने के बाद भी उसके आसपास लोग अच्छे नहीं थे, वो सिर्फ यही चाहता था कि उसे कोई मार दे और अपनी देश के लिए बार बार मरता था, जिस वजह से इसका नाम अमर शहीद रखा गया। इस सैनिक का हाथ पैर एक ही धागे से बंधे होते हैं, जो कि उसके ओ आय के सील से निकल रहे होते हैं। ओ एक्स वाला घोस्ट उस सैनिक को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन सैनिक उसके सारे हमले को रोक देता है। सैनिक वाला घोस्ट एक्स वाला का चेहरा पकड़कर दूसरे भूत का मास्क हटा देता है। देखते हैं उस सैनिक के सील से दुश्मन वाले सैनिक निकलने लगते हैं और वो तलवार फेंक कर चाकू पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कमजोर हो जाता है। वो एक्स वाला घोस्ट भी थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। गेंतोगी बोलता है कि क्या है ये, कोई उसका कर्ज है। हाजुकी बोलती है कि ये सैनिक वाला भूत बुरा नहीं है, इसलिए ये एक कर्ज नहीं है, ये एक प्रे की तरह है। जो इस सैनिक के सील के अंदर होते हैं वो उसके फीलिंग समझ पाते हैं, जैसे कि लड़ाई के टाइम पर भूख लगना, प्यास लगना और दर्द होना। फिर वो लोग अपने आप ही कमजोर होने लग जाते हैं और एक पॉइंट पर वो मौत की प्रे करते हैं। सैनिक के सील के अंदर से बहुत सारे दुश्मन सैनिक निकलकर उस कुल्हाड़ी वाले भूत के तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर हाजुकी वीडियो कॉल करती है और उस फोन को वहीं पर रखकर बोलती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है, और वो भागने लगते हैं। हाजुकी बोलती है कि वो फाइट करने के अंदर ही हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर हमें उस सैनिक घोस्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जो छुरी पकड़कर बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। वो चैलेंज कर देता है उस घोस्ट के साथ। वो कुल्हाड़ी वाला घोस्ट पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है, उस सैनिक को काटता हुआ वो उसका कंधे को काट देता है। इससे निकलने वाले सैनिक से वो फिर से हील हो जाता है। उस सैनिक वाला भूत बोलता है कि मैं नहीं मर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, जिसके बाद वो सैनिक गौन निकालता है, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो कुल्हाड़ी वाला भूत भी कमजोर हो जाता है और हम देखते हैं कि वो आय की सेफ की जो ड्रॉइंग थी उसके चारों तरफ एक ट्रायंगल वाला सेफ भी आ जाता है, जो कि बहुत जल्दी फैलने लगता है। कुल्हाड़ी वाला घोस्ट अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आसपास जो सैनिक पड़े थे उसको खाने लगता है, फिर से सैनिक वाले के ऊपर हमला करता है। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि वो सैनिक वाला वो एकदम दो टुकड़े में कट जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कुल्हाड़ी वाला भूत उसे खाने लगता है, लेकिन उसका पेट बहुत जोर से फूलने लगता है, जिसके अंदर से वो सैनिक वाला घोस्ट बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बच गया, और वो एक बॉम्ब निकालता है, जिस वजह से वो और भी कमजोर हो जाता है। हम देखते हैं वो ट्रायंगल के पार और भी एक सर्कल बन जाता है। हाजुकी सील के बाहर आ जाती है और गेंतोगी को बाहर आने को बोलती है। गेंतोगी इको को हाजुकी के तरफ उछाल देता है और वो बाद में इको को भी पकड़ लेता है, लेकिन गेंतोगी का पैर उस सील के अंदर पड़ चुका होता है। लेकिन इको और हाजुकी गेंतोगी को खींचकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तब तक गेंतोगी बहुत कमजोर हो गया होता है। और हम देखते हैं वो कुल्हाड़ी वाला घोस्ट जमीन में पड़ा होता है। आसपास जो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी, ये सब बोलकर वो कुल्हाड़ी वाले भूत को खाने लगते हैं। वो कुल्हाड़ी वाला भूत मौत की भीख मांगने लगता है। सैनिक वाला घोस्ट जाकर उस बॉम्ब को कुल्हाड़ी वाले की मुंह में रख देता है और बोलता है कि चलो साथ में मरते हैं। फिर बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं वो सैनिक भूत बच जाता है और वो अपने आप ही हील हो जाता है और बोलता है कि कब मैं मरूंगा, किसके हाथ में।
इसके बाद वो वापस से उस डॉल के अंदर चला जाता है और उसके आसपास की सील भी गायब हो जाती है। सभी लोग ये चीज़ फ़ोन में देख लेते हैं। ये सब खत्म होने के बाद गेंतोगी, इको, हाजुकी फिर से वही जगह में आते हैं। वो कुलाड़ी वाला भूत मरने की कंडीशन में जमीन में पड़ा होता है। हाजुकी उसे जाकर पूछती है कि तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे या यहीं पर तड़प तड़प कर मरना पसंद करोगे। गेंतोगी बोलते है कि ये घोस्ट बहुत बुरा है, इसे तो मर जाना चाहिए। हाजुकी बोलती है कि हमारा मतलब तो एक ही है, इसलिए हम इस घोस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। कुल्हाड़ी वाला घोस्ट बोलता है कि अगर मुझे और भी लोगों को मारने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाजुकी बोलती है कि पहले तुम्हें आराम करना होगा। जिसके बाद हाजुकी उसके सामने एक डॉल रखती है जिसके अंदर बहुत सारे कीले चुभी होती है। जैसे ही वो घोस्ट अंदर जाता है वो तड़पने लगता है। हाजुकी बोलती है कि तुमने जो कर्म किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उसके सर पर भी एक कील घुसा देती है और बोलती है कि तुम्हें तो हमारा सर थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। जिसके बाद वो डॉल शांत हो जाता है। गेंतोगी सोचता है कि ये पहले उस घोस्ट को इस डॉल के अंदर लाए, फिर उसको उसके कर्म का सजा दी, फिर उसको दिमाग से बुरे ख्याल निकाल दिए। सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हाजुकी टनल के अंदर जाकर पेपर डॉल के अंदर और भी घोस्ट को सील कर देती है। फिर हाजुकी बोलती है कि मैंने घोस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले जो घोस्ट है वो फंस गई थी और दूसरी वो है जो फंस गई थी और दबाव में आकर बुरा काम कर रही थी, और तीसरी वो थी जो दबने के बाद बुरा काम करना शुरू कर दिया था। गेंतोगी बोलते है कि तुमने ऐसा कैसे किया। हाजुकी बोलती है कि सेनी घोस्ट के आत्मा से सभी घोस्ट कमजोर हो गई थी। मैंने सबको एक ही सवाल पूछा, क्या वो दूसरी आत्मा को खाना चाहती है। जिन जिन घोस्ट ने बताया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खाना है, वो सब अच्छी थी। जिसने भी हाँ बोला वो जानती थी वो दूसरी आत्मा को खाकर स्ट्रांग हो जाएंगे। मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई लेकर आया था और मैं एक अच्छी लिस्ट और बुरी लिस्ट बना ली। वो अच्छे घोस्ट थे वो मंदिर में जाएंगे, जो बुरे घोस्ट थे वो मेरे रूम में जाएंगे। इको सोचती कि तो एना का क्या हुआ, जो कि इको को टनल के अंदर लेकर गई थी। और सभी लोग कार में बैठकर घर पर जाने लगते हैं। तभी कार अचानक से खुद ही चालू हो जाता है। इको की अंदर से एना का आत्मा निकलता है। वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, मैं यहाँ पर मर गई और तुम सब यहाँ से सही सलामत निकल रहे हो। फिर वो कार बहुत तेजी से बैरियर के पास जाने लगता है। तभी हाजुकी एना की घोस्ट के ऊपर नमक फेंक देती है जिस वजह से वो कार रुक जाती है। हाजुकी एना को बोलती कि तुम्हें तो तुम्हारे कर्म का सजा मिलकर ही रहेगा। एना बोलती कि हम तो कुछ समय पहले बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर हाजुकी पेपर डल के अंदर उस एना के घोस्ट को ले आती है और वो इको को दे देती है और बोलती कि तुम डिसाइड करो इसके साथ क्या करना है तुम्हें। और यहाँ पर ही हमारे ये शानदार वीडियो खत्म होते है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस। वैसे कहने को है बारे भर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं।